तो देखते हैं क्वेश्चन अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ थर्टी सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड फिफ्टी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो आपसे कहा है कि एक डाइवर्जेंट लेंस है डाइवर्जेंट लेंस का मतलब हुआ आपका कॉनकेव लेंस तो कौन सा लेंस आपको दिया है यहाँ पर कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ थर्टी सेंटीमीटर और उसकी जो फोकल लेंथ दी है वो कितनी दी है आपकी थर्टी सेंटीमीटर और देखो यहाँ पर कॉनकेव लेंस है जिसमें कॉनकेव मैंने तुमको बता रखा है पहले भी कि कॉनकेव का मतलब ही हो गया आपका कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी चाहे वो मिरर है या लेंस है तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगी थर्टी सेंटीमीटर ठीक है तो उसकी फोकल लेंथ थर्टी सेंटीमीटर है फिर आपसे कहा है कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए यानी आपको क्या बताना है यू बताना है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर प्लेस किया जाए ऑफ हाइट फाइव सेंटीमीटर यानी जिसकी हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो आपसे पूछा है कि एक पाँच सेंटीमीटर हाइट वाला ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर प्लेस किया जाए कि उसकी इमेज कि हमने 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस यानी आपको वी वी दिया है कॉनकेव लेंस के केस में वी वी आपका नेगेटिव होगा तो वी की वैल्यू है माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर हाइट आपकी प्लस में आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा अपराइट पोजिशन में होता है तो प्लस में आता है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो और आपको इमेज का साइज़ भी बताना है यानी आपको दो चीज़ें बतानी है यहाँ पर एक एच आई और एक दूसरा यू तो क्वेश्चन को फटाफट से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम करेंगे लिखेंगे जो आपका फार्मूला होता है फॉर्मूला होता है आपका वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजकल टू वन अपॉन एफ यहाँ पर आपको लेंस का फार्मूला लिखना है ठीक है तो वन अपॉन यू निकालने के लिए आपने क्या किया माइनस वन अपॉन यू लिख दिया इजिकल टू वन अपॉन एफ़ माइनस वन अपॉन वी देखो जब भी फॉर्मूला आपको चेंज करना है ना तो एज़ इट इज़ चेंज करोगे ज़्यादा अच्छा है जिससे कि जब आप वैल्यूज़ लिखोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो मैंने यहाँ माइनस के साथ ही वन अपॉन यू ले लिया ठीक है और फिर यहाँ पर आपका वन अपॉन वी भी इधर माइनस में आ गया अब हमें पता है एफ़ की वैल्यू किस में है माइनस में माइनस थर्टी है माइनस वी किस में है माइनस में फिफ्टीन है तो ये माइनस माइनस तो आपका प्लस में जाने वाला है थर्टी आपको एलसीएम ले लेना है तो यहाँ पर माइनस वन आ गया और यहाँ पर प्लस का टू आ गया तो माइनस यू कितना आया आपका वन अपॉन यू कितना आ गया आपका टू में से वन गया वन अपॉन थर्टी तो अब यू है माइनस जो है नेगेटिव साइन मैं इधर ले आऊँगी तो यू टू हो गया आपका माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो आपको यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है जो कि थर्टी सेंटीमीटर आई ठीक है तो अब इमेज का साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू होते हैं तो एच आई हो गया आपका इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई एच ओ अपॉन यू क्लियर हुआ तो v की वैल्यू है आपकी माइनस फिफ्टीन एच ओ आपका जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है फाइव है और प्लस में है और u माइनस थर्टी है ये दोनों कैंसिल हो गया फिफ्टीन टू ज थर्टी तो एच आई आ गया आपका फाइव अपॉन टू डिवाइड करोगे टू टू ज़ा फोर हो गया टू फाइव ज टेन हो गया यानी एच आई जो कि आपको पता है कि हमेशा कॉन्केव लेंस में हाइट ऑफ द इमेज हमेशा स्मॉल आएगी दैन दे, दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव आएगी क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी इस केस में अब कहे ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द एव सिचुएशन ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया ये कॉन्केव लेंस बना लिया ठीक है अब इस कॉन्केव लेंस में क्या करना है आपको प्रिंसिपल एक्सेस बना देनी है राइट यह यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया सपोज ये हमारा फिफ्टी थर्टी फोकल लेंथ है सपोज ये मेरा थर्टी है फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर प्लेस है थर्टी सेंटीमीटर यानी कि फोकस पर ही आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर ठीक है लगभग लगभग यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट भी प्लेस आ रहा है तो पहली रे आपकी पैरल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सेस और ये डाइवर्स होगी और डाइवर्स होगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से होकर आ रही है ठीक है दूसरी रे आपकी सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और देखो कहाँ पर आपकी इमेज बन रही है मैं पैन चेंज करके दिखा देती हूँ तुमको यहाँ पर ये आपकी इमेज बन रही है तो यदि ये, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट था तो ये ए डैश बी डैश आपकी इमेज बनी है और उससे छोटे साइज में बनी है और उससे पहले भी बनी है राइट तो यहाँ पर ये आप एरो भी लगाना मत भूलना इमेज में प्रॉपर इमेज बनाओगे आप स्केल पेन से प्रॉपर बनाओगे ठीक है मैंने तो यहाँ पर स्मॉल में बना दिया है आप प्रॉपर साइज में बनाओगे क्लियर हो गया तो मिलते हैं अगले वीडियो में आई होप बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा थैंक यू